गुड आफ्टरनून 11th क्लास हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सर। और आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आगे हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, तो इसकी ये कुछ बेसिक चीजें हैं। मैटर कंसिस्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कोई भी मैटर बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजिबल यानी कि अविभाजित होने वाले कणों से, पार्टिकल से, एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। और अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो शेप, साइज और मास में सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग तत्वों के एटम्स यानी कि परमाणु हैं, तो उनके साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो से ज्यादा तत्व मिलकर के फिक्स्ड रेशियो में जब मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं, जिसे कि हिंदी में यौगिक कहते हैं। एटम्स कैन नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और एटम्स ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ना, सेपरेशन यानी कि अलग होना, और रीअरेंजमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये सारी चीजें इसके अंदर। Separation or rearrangement of atoms. Scientists used Dalton's atomic theory for a century. कई सौ सालों तक, सैकड़ों सालों तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वैज्ञानिकों के बहुत काम में आई। In the beginning of the 20th century, scientists like Sir J.J. Thomson, Lord Rutherford and Niels Bohr came in. Rutherford ने, थॉमसन ने, नील्स बोर ने, इन सब साइंटिस्ट ने इसकी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को बहुत ज्यादा काम में लिया था। Which remain some drawbacks in Dalton's atomic theory. The drawbacks of Dalton's atomic theory are: it could explain the laws of chemical combination only by mass. देखिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कई जगहों पे सही थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी या लिमिटेशन थी या उसकी कुछ सीमाएं थी। उसमें सबसे पहला है explains the laws of chemical combination only by mass but not by gaseous volume। यानी कि ये मास पे, द्रव्यमान पे तो फिट होता है, लेकिन गैस के वॉल्यूम पे फिट नहीं होता है। But not by gaseous volumes. ठीक है, दूसरी लिमिटेशन थी इसकी कि ये डज नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड साइज। और ये समझा पाने में सक्षम नहीं था कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मास और साइज क्यों होते हैं, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग आकार क्यों होते हैं। डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। और ये भी नहीं समझा पाया था कि क्यों और कैसे परमाणु जो है अलग अलग एलिमेंट्स के वो कंपाउंड बना पाते हैं और कैसे बना पाते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। उसके बाद फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which accounts for the existence of the three states of matter, solid, liquid and gas. और ये भी समझाने में असक्षम था कि वो कौन सी binding forces हैं जिनकी वजह से atom और molecule जो कि three states of matter, solid, liquid और gas के लिए उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि डाल्टन ये समझा पाने में असक्षम था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, वो किसी में कम और किसी में ज्यादा क्यों होती है। बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच अकाउंट्स फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड,
liquid, and gaseous. And it makes no distinction between. It makes no distinction between the ultimate particles of an element or a compound. और इस ये किसी भी compound के जो element है उसके जो particles हैं उनके बीच में कोई distinction यानी कोई difference नहीं बता पाया था या बताने में असक्षम. The ultimate particles of an element or a compound. So they modified Danton's atomic theory and it is now known as the modern atomic theory. Here are the key findings of the theory. An atom is no longer considered. अब modern atomic theory में क्या-क्या हुआ? Modern atomic theory में an atom is no longer considered indivisible. एक atom को indivisible नहीं बोला गया. It is made up इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम पहले तो इंडिविजिबल माना जाता था यानी अविभाजित या सबसे सूक्ष्म कण माना जाता था लेकिन अब उसके भी पार्ट्स हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस और एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है उनके एटॉमिक मास अलग अलग हो सकते हैं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट पजेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटॉप्स. और ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं उन्हें आइसोटॉप कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट. और अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स सेम हैं एलिमेंट्स के तो उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं. द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल. और ऐसा रेशियो जिसमें अलग अलग एटम्स मिक्स होते हैं कंबाइन होते हैं वो फिक्स होता है इंटीग्रल होता है बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल. लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि वो सिंपल हो. द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम अब इंडिविजिबल नहीं रहा अब एटम क्या हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया यानी कि सबसे छोटा तत्व हो गया दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. इंडिविजिबल. This means that an atom is a complex structure and is made up of electrons, protons, and the atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. यानी कि डाल्टन्स थ्योरी में कुछ कमियां थी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में दूर की गई. ठीक है. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर. फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज्ड टू ऑक्सीजन थ्रू बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेज. अब हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा? इसमें हमने लॉज ऑफ कंजर्वेटिव कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. हमने कांस्टेंट कंपोजिशन का या डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम पढ़ा. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम पढ़ा. लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स पढ़ा. अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इसके बारे में ये सारी चीजें हमने इस मॉड्यूल में पढ़ी. देयर आर द फाइव ठीक है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा. गे लुसाक्स लॉ पढ़ा. अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा. ठीक है. टेंपरेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस as well as the products bear a simple ratio to one another. Avogadro's law states that under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules. Dalton's atomic theory put forward the following points. Dalton's atomic theory.
उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये मॉड्यूल यहां पर एंड होता है। आगे नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, यानी परमाणिक द्रव्यमान और मोल वाला द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान। ऑन डिस्कवरिंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, साइंटिस्ट्स अटेंशन वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द मास ऑफ एटम्स। Since atoms were small particles and could not be separated, scientists were not able to determine the actual mass of an atom by weighing. यानी कि आप किसी भी एटम का मास इसका वजन करके नहीं निकाल सकते। It was possible to calculate the mass of an atom by weighing an element and then dividing the weight by the number of atoms. मास ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो पहले उसका एलिमेंट का वेट करेंगे, हम वजन करेंगे और उसमें जितने एटम्स उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका हम डिवाइड करेंगे। However, there was no method to count the number of atoms available in an element. In an attempt to find the solution to the problem in the 19th century, Dalton made some assumptions based on Gay-Lussac's findings. Based on Gay-Lussac's findings, Dalton designed how to...